अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। सो आज मैं आपके साथ अपने कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के रिव्यूज़ शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास कुछ लिपस्टिक्स हैं, ये इसमें बास्केट में तमाम के तमाम लिपस्टिक हैं। मैं आपको इनके कलर बताऊँगी, इनकी ब्रांड बताऊँगी और इनके प्राइस भी बताऊँगी। व्यूअर्स, उसके साथ ही मेरे पास ब्राइडल बेस है, बहुत ज़बरदस्त दोनों बेस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। और कुछ मेरे पास एक दो चीज़ और है, तो ये सारी चीज़ें ब्रांड की हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं आपको इन सारी तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगी डिटेल्स से। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट हासिल करेंगे। और मैं आपको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट के बारे में आज बताने जा रही हूँ कि आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आप चीज़ ख़रीदने से पहले आप कुछ ना कुछ सोचेंगे कि हमने कौन सी ब्रांड की चीज़ लेनी है और कौन सी कंपनी की चीज़ लेनी है। मैं आपको वो तमाम चीज़ें आज बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताऊंगी। तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपसे जिक्र करूंगी, ये मेरे पास ब्राइडल बेस है, बहुत अच्छी बेस है ये। मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाऊंगी कि ये बेस किस तरह से वर्क करती है और कितने की ये बेस मैंने परचेज़ की है। बहुत ज़बरदस्त बेस है ये व्यूवर्स, ब्राइडल बेस। यू नो आजकल पार्लर्स में जो बेस यूज़ हो रही है वो यही वाली बेस है। और इसका अगर आपको कुछ करीब से मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, अगर नज़र भी आए तो ये देखिए ज़रा, क्राइलोन की ये बेस है। ये देखिए ज़रा, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्राइलोन, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। मैं आपको थोड़ा सा चेक भी करके दिखाऊंगी कि ये बेस कितनी ज़बरदस्त है और किस तरह से काम करती है। आजकल ब्यूटी पार्लर्स में यही वाली बेस ज़्यादातर यूज़ होती है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। और यू नो आजकल जो बेसिस दूसरे ब्यूटी पार्लर्स में यूज़ होती है तो वो ब्राइडल्स के फेस को ख़राब करती है। और यू नो फेस इस तरह से ख़राब हो जाता है कि हाथ और फेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और फेस बिल्कुल वाइट हो जाता है, जो कि बहुत गलत होता है। तो आपका जो फेस है यू नो वो बेस के हिसाब से लगना चाहिए। आपकी फेस, आपकी स्किन जिस तरह की होगी, बेस भी हमें उस कंपनी का और उसी प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। तो प्राइस मैं आपको इसकी बताऊंगी। उसके बाद ये मेरे पास दूसरी बेस जो कि सेम है और ये आप पढ़ भी सकते हैं, ये देखिए ज़रा, ये बेस, ये भी क्राइलोन की बेस है और इसका नंबर G201 और 01961 है इसका नंबर है ये बेस का। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को इसका नंबर नज़र आ जाए। तो ये भी बहुत अच्छी बेस है और बहुत अच्छी कंपनी की बेस है दोनों। ये भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये वर्क करती है। रिज़ल्ट इनका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। दोनों बेस में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन दोनों सेम कंपनी यानी कि क्राइलोन की है। और यू नो ये मुझे दूसरी वाली जो मेरे हाथ में, ये ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, लेकिन वैसे तो दोनों ही बेस्ट है, दोनों बहुत अच्छी कंपनीज़ की है। और अब मैं आपको प्राइस बताऊँगी इसकी, तो इसके प्राइस है 2000 रुपीज़ पर बेस। ये जो एक बेस मेरे पास है ये 2000 रुपीज़ की है। दोनों में फ़र्क आप लोग देख सकते हैं कि एक थोड़ी ऑफ वाइट की है और दूसरा पिंक शेड दे रही है। तो दोनों में फ़र्क अच्छा खासा है और दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, दोनों अपने ही तरीके से काम करती है। तो ये हमारे पास थी बेस, इसका 2000 रुपीज़ इसका प्राइस है एक बेस का। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने कंसेशन के साथ इसको 1000 में परचेज़ किया है और ये मैंने लाहौर से परचेज़ की थी 1000 रुपीज़ की एक। दोनों बहुत अच्छी है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरे पास ब्लशन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्लशन है, मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी। और इसकी प्राइस आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे, जी हाँ, इसकी प्राइस यू नो 350 रुपीज़ इसकी प्राइस है। बहुत इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। और इसका रिज़ल्ट ये देखिए ज़रा, इसका शेड चेक करें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का शेड है और ब्राइडल के फेस पर ये यूज़ होती है मोस्टली। ये देखिए ज़रा, बहुत ज़बरदस्त इसका शेड आप लोग देख सकते हैं, कितना इतना अच्छा इसका शेड है। तो मैं आपको करीब से भी थोड़ा सा दिखाती हूँ इसका शेड। 350 रुपीज़ की ये शेड है। और हमेशा कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले आप लोग बस एक चीज़ को फोकस किया करें कि चीज़ ब्रांड की हो,
क्योंकि आजकल लोकल चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और सिर्फ दिखने में अच्छी होती है लेकिन यूज़ करने में अच्छी नहीं होती। तो मैं आपको यही कहूँगी कि चीज़ हमेशा ब्रांड के लिए करें और ब्रांड ही फर्स्ट नंबर पर है। तो मोस्टली गर्ल्स ऐसा करती हैं कि चीज़ ख़रीद लेती हैं लेकिन चीज़ उनको पता नहीं होता कि हमें कौन सी क्वालिटी की चीज़ लेनी है। अब ये देखिए ज़रा, मेरे पास पेंसिल है, ठीक है, ब्लैक कलर में ये पेंसिल है और मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी कि और आजकल ब्लैक कलर्स की पेंसिल भी आ रही है लेकिन ये वो ब्लैक कलर नहीं है। ये देखिए ज़रा, ये ऐसा ब्लैक कलर है, बिल्कुल क्रीमी सा ये ब्लैक कलर है और ये देखिए आप लगाएंगे तो ये लगता ही चला जाएगा। ऐसी पेंसिल भी होती है कि हम ख़रीदते हैं और वो दरमियान में रुकता है, वो भी मेरे पास पेंसिल मौजूद है लेकिन ये जो मेरे पास पेंसिल है ये अच्छी कंपनी की पेंसिल है, यानी कि इसको जब हम लगाएंगे तो ये लगती ही चली जाती है और रुकती नहीं है, बहुत अच्छी पेंसिल है। उसके बाद ये मेरे पास एक दूसरी पेंसिल भी है सेकंड नंबर पे, इसका भी बहुत अच्छा कलर है और ये भी आप लोग जब लगाएंगे तो बस लगती ही चली जाएगी। पेंसिल वही होती है जो हम लगाएं तो लगती ही चली जाए और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा। और आप कलर चेक करें, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप अपने लिप्स पर लगा सकते हैं और आईज़ के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। आजकल आईज़ पर थोड़ा सा शेड देने के लिए ऑफिस जब कोई जाती है गर्ल तो यूनिवर्सिटी या जाते हैं आप लोग तो उसको अपनी आईज़ पर लगाएं तो बहुत अच्छा लुक देती है ये। इसकी प्राइस मैं आपको बताऊं तो ये दोनों मैंने 50-50 रुपए में परचेज़ की हुई है। उसके बाद ये मेरे पास है लिप ग्लोस। लिप ग्लोस का मैं आपको कलर बताऊंगी, कलर बहुत प्यारा कलर है इसका। मेरे पास ये वो चीज़ें जो मैं घरेलू मतलब अपने आम रूटीन में ऑफिस के लिए चीज़ें यूज़ करती हूँ मेकअप के लिए, तो ये वो चीज़ें मेरे पास आ रही है ब्रांड की और इतनी महंगी भी नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सी क्रीमी सी सारी चीज़ें हैं ये। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए इसका कलर चेक करें आप ज़रा, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, आरसी पिंक सा शेड इसका, बहुत अच्छा ये लिप ग्लोज है। और मेरे पास इसको तकरीबन 2 ईयर हो गए हैं, 2 ईयर से मैं इस लिप ग्लोज को यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त और मेरी फेवरेट चीज़ है, मेरे पास ये देखिए ज़रा आई पेंसिल है जो आपकी आई को इन्हेंस करती है। ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, मेरी बेस्ट आई पेंसिल है ये, इसको मैं अपनी आईज़ के अंदर यूज़ करती हूँ। ये देखिए ज़रा कितनी ज़बरदस्त ये आई पेंसिल है मेरी और इसको मैंने तराश नहीं किया हुआ, मैं इसको तराश करूँगी तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आती है। ये देखिए ज़रा फिर से मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगी, ये देखिए ज़रा ये आईज़ के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, आपने किसी भी फंक्शन पे जाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। उसके बाद एक तो मेरे पास है ये वाली सिल्वर कलर में आई पेंसिल जो कि हम आईज़ के अंदर या बाहर भी लगा सकते हैं। उसके साथ ही मेरे पास ये देखिए ज़रा आई लाइनर है जो कि बिल्कुल यही वाला है, दोनों मेरे पास सेम ही चीज़ है लेकिन इसको आप ये जो आई लाइनर है इसको आप आईज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये जो पेंसिल है इसको मैं अंदर भी और ऊपर भी यूज़ कर सकती हूँ। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था। और इसका भी मैं आपको रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ, इसका रिव्यू मैंने अलग से भी दिया हुआ है, आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए ज़रा, इसको मैं नीचे रखती हूँ और ये देखिए ज़रा ये चेक कर सकते हैं आप, इसको हम आईज़ के ऊपर लगाते हैं। नाइट फंक्शन में आप लोग इसको मोस्टली यूज़ कर सकते हैं, नाइट फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा आईज़ को इन्हेंस करती है और अजीब सी और प्रॉपर बड़ी खूबसूरत सी लुक देती है। नाइट फंक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं आईज़ के ऊपर और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 100-120 रुपीज़ है। उसके बाद मेरे पास सेम वही चीज़ है लेकिन इन दोनों में फ़र्क है, इसकी नस्बत मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है आई लाइनर, ये भी सिल्वर कलर में है लेकिन इसके अंदर शेड्स यूज़ किए गए हैं, आप लोग वो देख सकते हैं कि वो बिल्कुल वाइट है लेकिन इसमें थोड़े से कलर्स यूज़ किए गए हैं। तो ये मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ, ये देखिए ज़रा ये भी बहुत ज़बरदस्त है और ये भी नाइट फंक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने ज़्यादा शेड्स हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त है ये, बहुत ब्यूटीफुल सा है और ये भी बहुत खूबसूरत है। तो तीनों मेरे पास जैसे ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं ये व्यूअर्स। उसके बाद मेरे पास ये देखिए ज़रा बहुत ही क्रीमी से कलर हैं 2-3 और मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगी, ये भी वही तकरीबन है, ये पर्पल कलर है, आईज़ के ऊपर लगाते हैं इसको हम। ये देखिए ज़रा आपने ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, आप आईज़ के ऊपर लाइट से इसको शेड दे सकते हैं और आप लोग ऑफिस जाएँ, बहुत खूबसूरत सी लुक आएगी।
ये सिल्वर कलर है, सिल्वर कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं सिल्वर कलर, मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं, तो जी हाँ मुझे सिल्वर कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने तकरीबन सिल्वर कलर में हर चीज़ रखी हुई है। ये देखिए ज़रा, ये भी मेरी ऑफिस के लिए है, इसको मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा सा रिजल्ट देता है। उसके बाद एक और मेरे पास सिल्वर से चीज़ आई है, जी हाँ मेरे पास ये देखिए ज़रा लिप ग्लोज है, इसका कलर मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़बरदस्त कलर है ये भी। ये देखिए ज़रा, ये पिंक कलर है, सिल्वर और पिंक का कॉम्बिनेशन है ये लिप ग्लॉस है, और बहुत मेरा फेवरेट है लिप ग्लॉस ये, कोई इससे भी मैंने फंक्शन पे जाना हो तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। अगर आप लोगों ने इसका नंबर देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, माइट का ये लिप ग्लॉस है और मॉइस्चराइजिंग शाइनी एंड लिप ग्लो इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये आपको ऑलमोस्ट 300 to 400 में मिल जाएगा, इस रेंज में आपको मिल जाएगा ये, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है और बहुत लॉन्ग ये काम करता है। इसके बाद मैं आपको चेक करवाने जा रही हूँ अपनी तमाम तर लिपस्टिक, मेरे पास बहुत प्यारे लिपस्टिक के शेड्स हैं और बहुत डिसेंट से कलर हैं, तो ये तमाम तर कलर आपके ऑफिस के लिए, आपके कॉलेज के लिए यूज़ होते हैं, बहुत अच्छे कलर हैं तमाम के तमाम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है व्यूवर्स की वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, बहुत क्रीमी से कलर है और मैं वन बाय वन आपको सारी कलर चेक करवाऊंगी। आपके किसी भी कलर का नंबर आप लोगों को अगर पूछना हो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और आई विल ट्राई कि नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ हर लिपस्टिक का। तो ये मेरे पास कुछ लिपस्टिक है, मैंने दराज डॉट पीके से मैंने लिपस्टिक्स मंगवाए थे, लिपस्टिक का बॉक्स मंगवाया था और उसका मैंने अलग से रिव्यू भी डाला हुआ है अपने चैनल पर, आप लोग मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं और आप लोग वहां से भी इसका रिजल्ट लेंगे। ये तमाम तो लिपस्टिक मेरे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के कलर्स के साथ दी हुई है और मैं वन बाई वन आपको सारे इनके कलर्स चेक करवाने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएंगे। बस आप लोगों ने करना ये कि मेरी वीडियोज़ को देखते जाना है, और ये देखिए कलर बहुत खूबसूरत है, फ्रेश कलर है बिल्कुल। तमाम तर मैं कलर्स आपको चेक करवाती रहूँगी और उनके प्राइस भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को साथ साथ बताती रहूँ। उसके बाद मेरे पास ये सेकंड कलर है, ये भी मैं आपको साथ शेयर करूँगी, इसका कलर चेक करें आप लोग, कितना खूबसूरत सा कलर है इसका और बहुत खूबसूरत सा कलर है ये भी। और ये भी मैंने दराज डॉट पीके से लिया था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने दराज डॉट पीके से जो लिपस्टिक का बॉक्स मंगवाया था इसका मैंने अलग से भी रिव्यू डाला हुआ है, और आप लोगों अगर चाहें तो मेरे वो उस वीडियोस को देख सकते हैं अगर आप लोगों ने रिव्यू को देखना है। उसके बाद व्यूअर्स ये तीसरा मेरे पास कलर है, ये देखिए ज़रा, ये भी बहुत खूबसूरत सा कलर है और एक इसका ये वाला कलर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ये वाला कलर है, ये देखिए ज़रा, इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है ये भी। इन दोनों, ये दोनों कलर तकरीबन सेम लग रहे हैं लेकिन यू नो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है और बहुत अच्छा लग रहा है कलर ये। उसके बाद मैं ये वाला आपको कलर दिखाती हूँ, देखें देखने में ये ऑरेंज कलर है लेकिन ये ऑरेंज नहीं है। ये देखिए इसका मैं कलर अब आपको दिखाती हूँ, करीब से दिखाती हूँ, थोड़ा आपको यू नो नज़र आ रहा होगा, ये आर्टिफिशियल कलर है और ये बेबी कलर है, यानी कि आप किसी भी लिप पर लगाएं तो ये कलर देता है, लेकिन इसका ये कलर नहीं है जो मैं आपको आपको दिख रहा है ओरिजिनल में। तो बहुत खूबसूरत से कलर मैं आपको दिखा रही हूँ, वन बाय वन सबको ट्राई भी करके दिखा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ये वाला कलर है, ये देखिए ज़रा, ये भी बहुत खूबसूरत कलर है और तमाम तर कलर में बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दिखने में सब एक जैसे लग रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा में डिफरेंस है। तो नेक्स्ट मैं आपको कलर दिखाती हूँ, मेरे पास जो है बहुत खूबसूरत सा और माय फेवरेट कलर, ये देखिए ज़रा, बिल्कुल रेड कलर है ये, अनारी कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है, वन ऑफ माई बेस्ट कलर इसको, ये देखिए ज़रा, सब पर भारी है ये कलर और यू नो नाइट फंक्शन में भी बहुत खूबसूरत किस्म की ये लुक देता है। अगर आप लोगों ने मेकअप नहीं किया हुआ तो आप जस्ट रेड कलर की लिपस्टिक लगाएं और जस्ट आप लोगों ने आईलाइनर लगाना है और आपको नाइट फंक्शन, आपको मतलब इतनी अच्छी लुक देता है नाइट फंक्शन में कि ये कलर बहुत खूबसूरत है और किसी भी फंक्शन में आप लगा सकते हैं। तो मेकअप करने की आपको इसके साथ ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल लाइट्स आप लोग इसके साथ मेकअप कर सकते हैं।
सबसे मेरा बेस्ट कलर था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसके बाद मेरे पास एक मेरा डेली यूज़ का कलर, ये देखिए ज़रा, अभी इसका एंड चल रहा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं रोज़ ऑफिस में यूज़ करके जाती हूँ कलर को, और मतलब ये नेचुरल सा कलर है और आप लोग इसको आम यूज़ घर में लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा ये नेचुरल सा कलर है, तो मेरा फेवरेट कलर है। मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ घर में, या मैंने ऑफिस जाना हो तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। उसके बाद मेरे पास एक ये लिपस्टिक है, कलर स्टे क्लासी फील, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, और ये रिवाज यूके की लिपस्टिक है। बाकी जो लिपस्टिक हैं वो भी सारे तकरीबन, ये मेरे पास जो रेड लिपस्टिक थी इसको मैं आपको बता देती हूँ, इसको अगर आप लोग देखना चाहें तो, ये देखिए ज़रा मेडोरा की लिपस्टिक है, ये ग्लोजी और इसका कलर 22 है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत प्यारा सा कलर है। मोस्टली गर्ल्स मैसेज करके फिर पूछती हैं कि कौन सा कलर था, तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैं बता दूँ कलर और नंबर। कलर यू नो आप लोगों ने देख लिया होगा, नंबर मैंने आपको बता दिया है, मेडोरा लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, और 22 इसका नंबर है। तो नेक्स्ट फिर मैं आपको रिवाज की जो लिपस्टिक मेरे हाथ में है इसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये लिपस्टिक ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ तक की आपको मिल जाएगी इजीली मार्केट से, और इसका कलर आप लोग देख लीजिए, बहुत प्यारा सा इसका कलर है, पिंक शेड इसका दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत सा ये भी कलर है। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरा एक और कलर, ये देखिए ज़रा, ये जो मेरे पास कलर रखे हुए हैं ऑलमोस्ट मेडोरा के बहुत ज़्यादा कलर हैं मेरे पास। मेडोरा के यू नो कलर बहुत अच्छे होते हैं, और आजकल जो आर्टिफिशियल आ रहे हैं मेडोरा ब्रांड अच्छी है, मेकअप के लिहाज से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ये देखिए इसका कलर मैं आपको दिखा दूँ, ये पुरानी लिपस्टिक है मेरे पास, पहले की रखी हुई थी, तो इसका एंड भी चल रहा है, तो इसलिए ये देखिए इसका कलर चेक कर लें आप लोग, कलर बहुत प्यारा है, तो इसलिए मैंने इसको उठा कर रखा हुआ था कि काम आएगा बाद में। उसके बाद नेक्स्ट लिपस्टिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बस अब एंड हो रहा है हमारी वीडियो का, तो नेक्स्ट कुछ लिपस्टिक ऐसी हैं कि उनका दी एंड चल रहा है तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये एक और कलर से कलर है मेरे पास, रेड कलर है, ये भी मैंने द्राज रोड पीके से परचेज़ किया था, बिल्कुल रेड कलर है, आप लोग देख सकते हैं। तो तमाम के तमाम कलर बहुत फ्रेश कलर हैं और आजकल के मुताबिक हैं, आप लोगों ने किसी भी फंक्शन पर जाना आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास, मैं आपको जल्दी जल्दी से चेक करवा देता हूँ जो मेरे पास कलर रह गए हैं। एक ये वाला कलर है, ये भी कलर मैंने द्राज रोड पीके से ली थी ये भी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने द्राज रोड पीके पर इन तमाम लिपस्टिक का जो मैंने द्राज रोड पीके से मंगवाया था उसका अलग से मैंने रिव्यू डाला हुआ है, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। ये कलर आप लोग चेक करें, अंगूरी सा कलर है, ये बहुत अच्छा कलर है। उसके बाद हमारे पास एक और कलर है, ये भी बहुत प्यारा सा कलर है, दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है अगर आप लोग और से देखें तो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये कलर एक और है, मिस रोज़ का ये लिपस्टिक है, मिस रोज़ का ये कलर है, बहुत प्यारा कलर है, और इसको मैं आपको चेक करवाती हूँ तो बड़ा डिफरेंट सा कलर है ये, और अब इसका भी एंड चल रहा है, तो और गर्मी की वजह से यू नो ये कलर अब लिपस्टिक पिघल गई है, मैंने इसको फ्रिज में रखना था लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम इसको मैं रख नहीं सकी फ्रिज में। कलर आप लोगों को चेक करवाती हूँ, बहुत तेज़ सा कलर है ये, अच्छा कलर है, लेकिन अगर आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस तरह की लिपस्टिक्स जो होती हैं आप लोग फ्रिज में रखा करें ताकि वो फ्रीज हो जाए और अच्छे से आप लोगों को उसकी रिज़ल्ट आए फिर। और नेक्स्ट मेरे पास कलर है, ये देखिए ज़रा, ये भी द्राज रोड पीके से मैंने मंगवाया था, और द्राज रोड पीके की मैं आपको एक लिपस्टिक दिखा देती हूँ। द्राज रोड पीके की तकरीबन तमाम लिपस्टिक मैंने आपको दिखाई है वो एक ही कंपनी की है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आपको एक लिपस्टिक को दिखा दूँ गौर से, ताकि आप लोग अगर चाहें तो मंगवा सकते हैं। इसके ऊपर मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को नज़र आए, ये देखिए ज़रा लिपस्टिक इसके ऊपर लिखा हुआ है, और सेलिना की ये लिपस्टिक है, ये देखिए ज़रा अब आपको नज़र आ रहा है, सेलिना की ये लिपस्टिक है, ठीक है। और आप लोगों ने ये, मैंने ये तकरीबन 380 रुपीज़ में मैंने इसका बॉक्स मंगवाया था, अलग से रिव्यू देख लीजिएगा, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि इसके 12 पीसेस थे, और ये तमाम तर जो लिपस्टिक थी मैंने आपके साथ शेयर की है सारी द्राज रोड पीके से ली हुई है, और कुछ लिपस्टिक जो है वो मैंने इधर से ही ख़रीदी हुई है अपने करीब शॉप से, लेकिन मोस्टली मैंने द्राज रोड पीके से ही ली है। उसके बाद मेडोरा की एक और लिपस्टिक, मेडोरा की ब्रांड मेरे पास ज़्यादा है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेडोरा अच्छी ब्रांड है, मैं आपको भी ये दिखाती हूँ खोल के, ये देखिए ज़रा, मैं आपको इसका पहले तो सबसे मैं आपको इसका नंबर बता देती हूँ कि नंबर क्या है।
नंबर इसका 30 है और जैनी की ये लिपस्टिक है जैनी थॉर्न, 30 इसका नंबर है। ठीक है, अब मैं आपको अंदर से चेक करवाती हूँ। इसका कलर बहुत प्यारा है इसलिए मैंने इसको पैक करके रखा हुआ है बॉक्स के अंदर। ये देखिए ज़रा कलर मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिल्कुल फ्रेश सा कलर है, बहुत ज़बरदस्त कलर है। सब कलर्स पे ये कुछ दो तीन कलर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क है और बहुत फ्रेश से हैं, लेकिन मोस्टली कलर जो है वो डेली यूज़ के लिए है। तो ये देखिए बहुत अच्छा कलर है। ये नंबर मैंने आपको बताया और अगेन मैं बता देती हूँ आपको, नंबर जैनी की है, जैनीस की नेम है ब्रांड का और 30 इसका नंबर है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो। उसके बाद हमारे पास एक लिप ग्लोस बचा है। लिप ग्लोस भी ये बहुत अच्छा है और तमाम लिप्स ग्लोस आप लोग कुछ लिपस्टिक्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर क्या है। ये देखिए क्रीमी सा ये कलर है और आप इसको किसी भी लिपस्टिक के ऊपर, अगर आप लोगों ने शेड देना है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिपस्टिक के ऊपर। बहुत अच्छा कलर है। तो व्यूवर्स ये थे मेरे आज के मेकअप, यानी कि डेली यूज़ के मेकअप जो मैं यूज़ करती हूँ। और कुछ इनमें ब्रांड्स थी और कुछ मतलब लोकल ऐसे थी कि जब मैं डेली बाज़ार जाती हूँ या हफ्ते में एक बार वीक में दो बार, मतलब जैसे भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो मैं उसे ख़रीद लेती हूँ इन चीज़ों को। तो इसलिए मेरे पास इतने सारे लिपस्टिक्स इकट्ठे हुए हैं। और इसके अलावा और भी मेकअप की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं कभी आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों ने मुझे बताना है ताकि मैं बाकी जो मेरे पास मेकअप पड़ा हुआ है उसको भी आपके साथ शेयर करूँ। व्यूवर्स अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद करते हैं इस वीडियो को तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अगर आप लोग और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जी हाँ, मेरे हाथ का तो बुरा हाल हो गया है क्योंकि मैंने तमाम तरह लिपस्टिक आपके साथ शेयर जो की है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और अगर आप लोग इन लिपस्टिक के कलर आप लोग पूछना चाहते हैं, कोई प्राइस के बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप लोग इजीली मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को आंसर करूं। और बाकी ये थे मेरे आज के मेकअप जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर मुझसे कोई चीज़ इसमें मिस हो गई है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो व्यूअर्स, इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए। एंड अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।